वर्सेस हैदराबाद का खौफ थोड़ा कम हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस टीम का विजय रथ रोक दिया। लगातार 4 मैच जीतने वाली ये टीम अपने ही घर में हार गई। आरसीबी ने इन्हें 35 रन से मात दी। इस मैच के बाद कप्तान पैट कमिंस ने ब्रॉडकास्टर से बात की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि इस दिन आरसीबी उन पर भारी पड़ गई। कमिंस बोले, आदर्श रात नहीं है, गेंद से कुछ ओवर्स खराब गए, बैटिंग के वक्त कुछ विकेट्स दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गवाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्लान पहले बैटिंग का था। बीते कुछ मैचेस का जिक्र करते हुए कमिंस ने कहा, हम पहले बैटिंग करने वाले थे, ये हमारे लिए काम कर रहा है। बीते कुछ मैच में मिली जीत से पहले हम सोचते थे कि हम पहले बॉलिंग करने वाली टीम है, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई। कमिंस ने इस बातचीत में ये भी बताया कि हार के बाद टीम से कौन बात करता है। वो बोले, मैं जीत के बाद टीम से बात करता हूँ, डेनियल विटोरी हार के बाद। सीजन की तीसरी हार के बाद भी कमिंस के इरादे नहीं बदले हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद वाले मारकाट जारी रखेंगे। कमिंस बोले, लड़के सही काम कर रही है, ये T20 क्रिएट है, आप हर गेम नहीं जीत पाओगे, इसका बहुत लोड नहीं लेना है। मुझे लगता है कि रिस्की क्रिकेट खेलना हमारी मजबूरी है, हर गेम में ये काम नहीं करेगा। शुरुआत के 1-2 गेम में ये हमारे पक्ष में नहीं गया, इसके बावजूद हम अच्छे टोटल तक पहुंच गए। मेरे हिसाब से लड़कों को ये वाला गेम जारी रखना चाहिए। बात मैच की करें तो आरसीबी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया। कप्तान डुप्लेसी ने इस मौके पर कहा, सनराइजर्स हैदराबाद पर स्कोरबोर्ड का प्रेशर डालना चाहता हूँ। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टीम जैसा खेली, गेंद और बल्ले से जैसे लड़े, उस पर गर्व है। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए ठीक ठाक शुरुआत की, लेकिन कप्तान डुप्लेसी जल्दी वापस लौट गए। विराट कोहली ने 50 चढ़ा, लेकिन ये पारी बहुत स्लो रही। इंटरनेट पर इसे लेकर बहुत सारी बातें हुई। रजत पाटीदार ने सिर्फ 20 गेंदों पर 50 रन जोड़ा, आरसीबी को बड़े स्कोर की ओर धकेला, जबकि कैमरन ग्रीन ने 20 गेंदों पर 37 रन की नाबाद पारी खेली। आरसीबी ने 20 ओवर्स में 206 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेल हो गया। पहला ओवर लेकर आए विल जैक्स ने इसी ओवर में एक खतरनाक ओपनर ट्रेविस हेड को निपटा दिया। अभिषेक शर्मा भी बहुत देर तक नहीं खेल पाए। सनराइजर्स हैदराबाद का टॉप ऑर्डर ढहा तो मिडिल ऑर्डर भी साथ निकल गया। टीम ने 69 तक 5 विकेट गंवा दिए। 85 पर उनका छठा विकेट भी गिर गया। पैट कमिंस और शहबाज अहमद ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंत में टीम 171 रन ही बना पाई। ये आरसीबी की आईपीएल 2024 में दूसरी जीत थी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।